लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर सेकेंड कट ऑफ की। तो सेकेंड कट ऑफ के लिए हम लोगों को कहाँ जाना होगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है नीचे आएंगे यहाँ पर, और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी डिटेल है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि हर एक चीज आपको इजिली अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो ये अलग अलग स्टेट्स हैं और जिनको आप सर्किल के नाम से जानते हैं, और ये सेकेंड मेरिट लिस्ट है और मैं अब इसको खोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ से आसाम से। ठीक है, आप असम से हैं अगर, तो असम से साउथ, मैं नॉर्थ स्टेट्स ले रहा हूँ जिनकी लैंग्वेज हिंदी है कॉमनली। ठीक है, तो ये है और इसको भी मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको और डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक, तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 4 डिवीजन है असम का, और जो कट ऑफ गई है, जो लोग लगातार नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर देख लेना चाहिए कि देखिए जनरल कैटेगरी का 96 तक गया, जैसा मैंने बताया था, ओबीसी का 94 तक गया है, सेकेंड लिस्ट है, और अगर 2-2% का यहाँ पर कट ऑफ जो है नीचे जा रहा है, 1.5-1.5%, 2-2%, जो कि मैंने पिछली बार बताया था, तो अभी आने वाली कई और मेरिट लिस्ट में कितना और नीचे जा सकता है। तो बिल्कुल भी आप डिमोरलाइज मत होइएगा, नेगेटिव कमेंट के चक्कर में मत पड़िएगा, और आप हौसला बना कर रखिएगा। जिनका जिन साथियों का सिलेक्शन यहाँ नहीं भी हो पाया है उनका सिलेक्शन होगा जरूर। ठीक है, अगर उनके परसेंटेज ठीक ठाक हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर आप अगर बात करें काचार डिवीजन में तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पर 96 तक गया है, और ईडब्ल्यूएस का 90 तक गया है, एसटी का 83, और एससी कैटेगरी का अगर हम देखें तो एससी का 93.71 तक गया है। तो ये अच्छा वेरी जरूर करता है, तो वेरी कर रहा है तो और मैं अगर इसके बीच में जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं पीडीएफ काउंट करूँ तो इसमें कितनी पीडीएफ है, देखिए इसमें पीडीएफ है 13, तो अगर मैं इसके बीच पीडीएफ में आ जाऊं, मान लीजिए मैं आ गया हूं करीब 7-8 पर, तब मैं कट ऑफ एक बार देख लूं कि यहाँ पर क्या कट ऑफ जा रहा है। ओबीसी का 92%, बहुत बढ़िया कट ऑफ है, और एससी का 88% पर रुक रहा है, यूआर का 94% पर रुका है, और ओबीसी का 94% पर, ईडब्ल्यूएस का 92% पर है, अच्छा खासा, पीडब्ल्यूडी का 86% पर यहाँ पर कट ऑफ जाता दिख रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है उम्मीदें ज्यादा हैं असम वालों से, क्योंकि असम में कट ऑफ अच्छा खासा कम जाता दिखाई दे रहा है। हाँ, अलग अलग वेरी कर सकता है, जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जैसे ये नालबरी डिवीजन है, यहाँ पर देखिए काफी कम जाता दिखाई दे रहा है, जनरल का जो है यहाँ पर थोड़ा सा वेरी कर रहा है, यहाँ पर कहने का मतलब है 99 तक जा रहा है, मतलब कहीं ऊपर कहीं नीचे जाता दिख रहा है, तो इसलिए ये कह पाना कि कहाँ पर कितना है थोड़ा मुश्किल है। अब आइए जल्दी से नीचे चले जाते हैं, लास्ट पीडीएफ में आ जाते हैं, और लास्ट में अगर हम देखें तो ये देखिए जनरल का 87.5% तक सिलेक्शन यहाँ पर होता दिख रहा है तिनसुकिया डिवीजन में। तिनसुकिया में काफी कम कट ऑफ जाता यहाँ पर दिख रहा है, 87%, भाई साहब बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कट ऑफ गया है। अब जल्दी से कोई दूसरी लिस्ट खोल लेते हैं और वहां देखते हैं वहां क्या गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं बिहार का, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का कट ऑफ क्या गया होगा यहाँ देखते हैं। ये देख पा रहे हैं आप बिहार सर्किल खुल गई है, इसको भी जूम कर लेते हैं, हाँ इसको भी जूम कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ कट ऑफ क्या जाता दिख रहा होगा आपको। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद में जनरल का 98%, मैं जैसे मैंने बताया था बिहार थोड़ा सा हाई कट ऑफ स्टेट है, तो यहाँ पर आप 1.5% का भी जो है अगर ले लें स्विंग तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वही कुछ ऐसा होता दिख रहा है। 100% से लेकर 98% तक यहाँ पर सिलेक्शन होता दिख रहा है। एससी का वही 97 के आसपास है, और जनरल का 97 के आसपास है, पीडब्ल्यूडी 78% है, जनरल 97% है, किसी भी पेज को अगर आप देखें जनरल का 97% है, ओबीसी देखें तो 98% है, तो भाई बिहार वालों में वही है जिसकी उम्मीद कही थी। पूरी अगर हम देखें तो कितने पेजेस हैं पीडीएफ, 50 पेज हैं, अगर मैं 25 पेज पर देखूं क्या फर्क पड़ रहा है तो देखते हैं 25वें पेज पर, ये हो गया 25वां पेज, ये आ गया 25वां पेज, तो यहाँ पर भी अगर हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा, लगभग वही कट ऑफ है, जनरल का 97% और ओबीसी का 97%, ईडब्ल्यूएस का 95%, एससी का 97, मतलब वही है 96-97 के आसपास कट ऑफ यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी के आसपास दिख रहे हैं। और लाइए जल्दी से नीचे चले जाते हैं शॉर्ट में, सबसे लास्ट पेज में,
सबसे लास्ट पेज में बिहार सर्किल का देखें तो भैया बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं है। हाँ थोड़ा सा फर्क ये आ रहा है कि 95% तक कट ऑफ जाता कॉमनली दिख रहा है किसी भी कैटेगरी का, अगर आप देख लो तो आप देख पा रहे होगे हम लोग किस वेस्ट चंपारण में है, ठीक है वेस्ट चंपारण में। हाँ सीतामढ़ी का पिछली बार जो है कम गया था फर्स्ट कट ऑफ में, सीतामढ़ी से अगर आप हैं तो देखते हैं सीतामढ़ी का क्या हाल है। ये सीतामढ़ी, सीतामढ़ी में वही है ठीक ठाक गया है, मतलब वही है 95% के आसपास रुक रहा है यहाँ पर कॉमनली आप देख पा रहे हैं 95% के आसपास सीतामढ़ी डिवीजन में रुक रहा है। ठीक है तो आइए जल्दी से कोई और स्टेट देख लेते हैं जहां से आप बिलोंग करते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अगर छूट जाए तो। सो अभी हम लोग क्या करते हैं गुजरात देख लेते हैं ना, गुजरात का जल्दी से देख लेते हैं। ये गुजरात है और इसको भी जूम कर लेते हैं और थोड़ा जूम करते हैं इसको, अभी आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है तो गुजरात में भी बिहार जैसे हाल नहीं, बिहार से अच्छे हाल है यहाँ पर, यहाँ पर 94% तक जाता दिख रहा है पहली ही लिस्ट में, पहले ही पीडीएफ में जाता दिख रहा है, और 95 है AWS, 95 है जनरल, 91 तक गया। ये देखिए अमरेली डिवीजन में जो है बीपीएम एबीपीएम पोस्ट के लिए 91% तक कट ऑफ यहाँ पर जाता दिख रहा है, और बीपीएम के लिए 89% तक जाता दिख रहा है भाई। ये हाल है 89% बीके, बहुत बढ़िया जा रहा है यहाँ पर भी जनरल के लिए, देखिए 89% पर कट ऑफ पर सिलेक्शन हो रहा है। ये है कोई अमरेली डिवीजन मॉलवेल बीओ बीपीएम पोस्ट के लिए जो है 90% पर सिलेक्शन होता दिख रहा है, जनरल का काफी कम जाता दिख रहा है। इसकी डिटेल वीडियो जो है मैं एक एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पर एक बार साफ साफ दिख रहा है कि गुजरात में अच्छा खासा कम कट ऑफ गया है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात में किस सर्किल से हैं जरूर बताइएगा मैं आपको, किस डिवीजन से हैं बताइएगा मैं आपको जरूर इसकी डिटेल बताऊंगा। देखिए अगर हम बात करें ये कौन सा डिवीजन है भाई, भरूच, भरूच में तो काफी कम जाता दिख रहा है यार, ये देखो जनरल का 88%, वाह वाह वाह, 87% है जनरल, 90%, वाह भाई गुजरात में भी ठीक ठाक गया भाई, भरूच में तो खास तौर से ओबीसी 92%, भावनगर में काफी कम गया। ये जल्दी इसके लास्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि लास्ट पेज पर कट ऑफ कहाँ रुका है जाकर। देखिए लास्ट पेज पर भी हम लोग पहुंच चुके हैं, काफी कम जाता है यहाँ पर सिलेक्शन होता दिख रहा है भाई साहब, 87-88% पर सिलेक्शन यहाँ पर रुक रहा है जाकर किसी भी कैटेगरी का। अगर हम लोग देख रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं किसी भी कैटेगरी की हम बात करिए, देखिए आपके सामने है सारी चीजें, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और वहां पर बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट चल रही भैया, ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है जो है बात कर लें अगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट जो है जैसे कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, आइए यहाँ से देख लेते हैं क्या हाल रहा है ना। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पिछली बार तो हाई कट ऑफ था फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट की क्या हाल है देख लेते हैं। वैसे उम्मीद तो बहुत कम है मुझे खुद भी पर्सनली, क्योंकि पिछली बार ज्यादा था और बहुत ज्यादा 2% का स्विंग दिखाई दिया होगा, तो वही होता दिख रहा है। देखिए जनरल 98%, 98% ओबीसी, 98% एससी, 96% ईडब्ल्यूएस, 95% वही होता दिख रहा है यहाँ पर, मतलब जो कट ऑफ जनरल का रुकता दिख रहा है आपको अगर इसको लास्ट पेज पर हम लोग काउंट करें जाकर तो वो आपको दिख रहा है 95% तक। ठीक है ओबीसी भी यहाँ पर 95% तक कट ऑफ रुकता है दिखाई दे रहा है, और जनरल भी है, ओबीसी हो गया, एससी का देखें 94% तक है, एसटी का काउंट करें अगर यहाँ पर तो 93, मतलब ऑलमोस्ट जो मध्य प्रदेश है वो हाई कट ऑफ रेंज में बना हुआ है लगातार। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो क्या हाल है महाराष्ट्र के, आइए देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखिए अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अहमदनगर डिवीजन जो है उसमें क्या हाल है, 96% जनरल, और एससी का 94% पर, एसटी का 90% पर, जनरल का 96% पर कट ऑफ, पीडब्ल्यूडी का 86% तक रुकता दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस का 94%। ठीक है और अगर मान लो हम इसके लास्ट पेज पर जाते हैं तो लास्ट पेज पर यहाँ पर आपको कट ऑफ क्या दिखता है इसे भी देख लीजिए। मान लीजिए यवतमाल डिवीजन जो है वहां पर जनरल का 94%, 95%, 93-94, मतलब 90-95% के बीच में कट ऑफ यहाँ पर जनरली रुकता दिख रहा है अगर कोई वैरी ना करे तो। ठीक है ऑलराइट, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक मैं थोड़ा और जूम कर लिया है, अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट स्टेट है कौन है वो भाई, वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी दिखा देता हूँ। ठीक है कि यहाँ की क्या हाल है, यहाँ जरूर देख लीजिए,
ये भी हाईस्ट कट ऑफ स्टेट में आता है, आगरा डिवीजन। भाई साहब 100, 100 के नीचे कोई बात नहीं हो रही आगरा डिवीजन में, कोई बात नहीं। वही है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो जनरल कैटेगरी है वहां पर आप 97% तक स्विंग देख सकते हैं, ऑलमोस्ट वही है, 97 98 के आसपास दिख रहा है। देखिए जनरल 98 और अभी लास्ट तक हो सकता है कुछ गिर भी जाए, ये देखिए जैसे 98 तक दिख रहा है आपको, है ना, कुछ गिर भी सकता है जनरल का 97%। ये देखो बिल्कुल सही बात बैठी मेरी, 96 से 97%। अगर मान लो इसके हम लास्ट पेज तक चले और करीब 78 पेजेस हैं तो ये देखिए 95% 96% के आसपास यहाँ पर गिरता दिख रहा है जनरल। उसके बावजूद लोगों का कहना था नहीं नहीं सर 95% तक नहीं गिरेगा, आप तो भाई हवा में बातें कर रहे हो, और आपके आंखों के सामने है वाराणसी डिवीजन है ये, एबीपीएम पोस्ट पर 95.6% और बीओ पोस्ट पर 95.33% पर सिलेक्शन होता दिख रहा है। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि 100% पर भी सिलेक्शन है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ वेरी कर रहा है अलग अलग, ये वेरी कर रहा है इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो दिख रहा है आपके सामने है ठीक है। तो मेन मेन स्टेट्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, आप किस स्टेट से आते हो मैं इसकी फुल डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा, ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो जो है आप प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर से कर दें, कतई ना भूलें।